हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट करूं और चिकू ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। सो अभी टाइम हो रहा है 1 बजे का एंड हमारा ब्रेकफास्ट सब कुछ हो चुका है। ब्रेकफास्ट में आज मैंने बनाया था पोहा, मतलब क्योंकि मेनली मेरे को वेजिटेबल पोहा ही अच्छा लगता है एंड वो हेल्दी भी होता है एंड वो प्लस हेल्दी भी होता है। सो मैं वही प्रेफर करती हूँ खाना। समटाइम्स वर्मासेली वगैरह भी बन जाता है, मतलब लेकिन मोस्टली पोहा ही बनता है। एंड सो अभी मैं बनाने लगी थी राजमा। सो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ कि मैं राजमा किस तरीके से बनाती हूँ। वैसे तो हर किसी को ही राजमा बनाना आता है गाइस, ऐसा मतलब आफ्टर मैरिज भी या बिफोर मैरिज भी आज के टाइम पर तो कोई भी ऐसा बंदा नहीं होगा जिसको राजमा बनाना नहीं आता हो। बट हर किसी का लेकिन थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट वेज होते हैं बनाने के हर एक चीज़ के। सो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी आपके साथ वही शेयर कर दूँ कि मैं किस तरीके से राजमा बनाती हूँ। तो चलो चीकू बाबा नीचे जाओ, चलो पापा के पास जाओ, बाय। सो चलो फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं किस तरीके से राजमा बनाती हूँ। चलो चलते हैं राजमा बनाने। तो गाइज ये हो चुके हैं राजमा बॉईल अच्छे से प्रॉपर वे में। मैंने इसमें अराउंड 1 विसल लगाने के बाद मीडियम गैस कर दिया था गैस फ्लेम को। देन इसमें मैंने अराउंड 3 to 4 विसल्स और लगवाई एंड मैंने इसमें अ पिंच ऑफ बेकिंग सोडा भी डाला था जिससे कि अच्छे से गल जाते हैं। सो यहाँ पर मैंने बना के रख लिया टमाटो जिंजर गार्लिक एंड ग्रीन चिल्ली का पेस्ट राजमा के लिए। एंड ये है अनियन का पेस्ट जो कि मैंने चॉप कर लिया अच्छे से मिक्सी में। एंड ऑयल यहाँ पे गरम हो चुका है एंड मसालों में हम डालेंगे जीरा एंड सब कुछ मैं इसी स्पून के अकॉर्डिंगली मेजर कर कर डालूंगी। साथ में हम डालेंगे ये तेज पत्ता जिसे हम बेलीफ कहते हैं, थोड़ी सी हींग डालेंगे एंड गरम मसाला डालेंगे, धनिया पाउडर, मिर्ची, हल्दी एंड नमक जो मैं ऑलरेडी डाल चुकी थी। एंड ये है कोहिनूर का राजमा मसाला, इससे काफ़ी टेस्ट अच्छा आता है। मतलब मार्केट में काफ़ी अवेलेबल है बट आप कोई भी डाल सकते हो, मैंने अभी यही डाला है। सो अभी तेल गरम हो चुका है, हम लोग जीरा डालेंगे इसमें। जीरे को क्रैकल होने देंगे अच्छे से, उसके बाद हम इसमें ये बे लीफ डाल देंगे जिसको हम तेज पत्ता कहते हैं। फिर मैंने अनियन डाल दिया है, अनियन को हम अच्छे से तब तक कुक होने देंगे जब तक कि ये ब्राउन ना हो जाए। तब तक हम इसमें स्पाइसेस डाल देते हैं, ये है धनिया पाउडर एंड अब डालेंगे हम गरम मसाला, ये है गरम मसाला एंड साथ के साथ अब हम इसमें डालेंगे इसमें हल्दी हम थोड़ी सी डालेंगे बिकॉज राजमा का कलर हमें थोड़ा रेड ही चाहिए होता है। एंड ये मैंने डाली है थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च बिकॉज मैंने ग्रीन चिली डाल दी थी तो मैं इसलिए वो नहीं डालूंगी। एंड नमक जो है मैंने राजमा में बॉयल करते टाइम ही डाल दिया था। अब हम इसको अच्छे से कुक होने देंगे जब तक कि गोल्डन ब्राउन ना हो जाए अनियन। तो अभी आप देख सकते हो प्याज जो है बिल्कुल अच्छा उसने रंग छोड़ दिया है, कलर आ चुका है। अब हम इसमें टमाटो प्यूरी डाल देंगे, टमाटो जिंजर गार्लिक एंड ग्रीन चिली का जो मैंने पेस्ट बनाया था वो हम डाल देंगे इसको। एंड अब हम इसको अच्छे से जो है मिक्स करेंगे जिससे कि अच्छे से जो है मिक्स हो जाए सारे मसाले उसमें। एंड अब ये मैंने राजमा मसाला डाल दिया है, अब हम इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हमें इसे कब तब तक कुक करना है जब तक कि ये अच्छे से ऑयल ना रिलीज़ कर दे। अब साथ के साथ मैं जो है जब तक ये मसाला बन रहा है मैं साथ के साथ जो है बना रही हूँ छाछ राजमा चावल के साथ पीने के लिए। तो मैंने इसमें थोड़ा सा धनिया डाल दिया है। अब हम इसमें ये रोस्टेड जीरा डालेंगे, मैंने खुद घर पर रोस्ट किया था तवे पर जो हो जाता है। एंड ये काला नमक डालेंगे, अब हम इसमें कर्ड डालेंगे एंड अब इसमें हम थोड़ा सा वाटर भी डालेंगे जिससे कि थोड़ा पतला हो जाए कंसिस्टेंसी। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। सो आप देख सकते हो मेरी लस्सी एंड छाछ जिसे कहते हैं वो रेडी है। एंड ये देखिए गाइस मसाले ने भी अच्छे से जो है ऑयल रिलीज़ कर दिया है, मसाला बहुत अच्छे से कुक हो चुका है। आप देख सकते हो पूरा साइडों से ऑयल रिलीज़ हो चुका है। अब गैस की फ्लेम हम कर देंगे ऑफ एंड अब राजमा जो है हम इसमें डालेंगे मसाले के अंदर। देन इसको अच्छे से हम 2-3 बॉइल्स आने देंगे, तब तक हम कुक होने देंगे। क्या खेल रहे हो? चिड़िया उड़।
दादी आप क्या खेल रहे हो? खेलिए चलो फिर खेलो। और ये अब चीकू को पढ़ेंगे चपेड़े थपेड़े। वो तो डालो नमक मिर्ची। बस नमक हल्दी से ही बन जाती है सब्जी, और कुछ नहीं डालते। नमक मिर्ची हल्दी जीरा तेल। सो गाइस ये दादी है, पगली दादी, पगली दादी। ये दादी है क्यूट दादी, है ना? ये बहुत अच्छी दादी है चीकू की, है ना चीकू? चीकू आप दादी को प्यार करते हो? चलो दादी को किसी कर दो, एक कर दो जल्दी जल्दी, सब देख रहे हैं, जल्दी जल्दी किसी कर दो दादी को। ये किसी किसी किसी, ये चलो आप दोनों प्ले करो, तब तक मैं लंच बनाती हूँ। ओके ओ ये, और मसाले डालो और स्पाइसेस डालो। दादी की पिट्टी हो गई। देखो ये है दादी, ये है चीकू का पानी, ये है चीकू का लंच, और यहाँ पे पार्टी हो रही है। पार्टी हो रही है? नो नो नो, पार्टी नहीं, फौरी हो रही है। तो गाइस आप देख सकते हो कि दादी चीकू को खिला रही है खाना। वेरी गुड। हॉट है ये राजमा, बनकर प्रॉपरली रेडी है। इसमें मैंने कोरिएंडर भी डाल दी है जिससे कि अच्छे दिखें राजमा। एंड मैंने चीकू को सबसे पहले सर्व कर दिया है। क्या हुआ चीकू, राजमा अच्छे नहीं लग रहे हैं आपको? नहीं लग रहे? गाइस ये देखो, ये ऐसे बच्चे होते हैं जिनको अपनी माँ के अलावा पूरी दुनिया का खाना अच्छा लगता है। देख रहे हो इसकी एक्टिंग? अच्छे लगे बेटे आपको? हाँ, इसको अच्छे कहाँ लगेंगे, इसको माँ के अलावा पूरी दुनिया का खाना अच्छा लगेगा। बच्चे ऐसे ही होते हैं गाइस, इनको अपनी माँ के हाथ का खाना नहीं अच्छा लगेगा। ये देखो कैसे इसने सर पकड़ के ये बैठी हुई है, ये कह रही है मेरे को जबरदस्ती जो है रोटी खिला रहे हैं। ओ ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है, इतने टेस्टी राजमा बने हैं, समझ आई है? चुप करके राजमा खा लो, राजमा रोटी खाओ जल्दी जल्दी, फिर लॉलीपॉप मिलेगी। ए मैं चीकू पिटाई कर दूंगी, जल्दी जल्दी खाते हैं ना। दैट्स वेरी नाइस। देखो गाय चीकू अपने आप जो है उसने हैंकी लगा लिया जिससे कि उसके कपड़े ना खराब हो, है ना? चलो अब आप जल्दी जल्दी ओची खाओ। सो ये हो चुका है मेरा लंच रेडी। ये है राजमा चावल, एंड ऊपर से मैंने इसमें अनियन जो है चॉप कर कर डाल दिया, एंड ये है साथ में छाछ। सो मैं करती हूँ अपना लंच एंजॉय, बाय बाय। यार तुम बिल्कुल भी सोने क्यों नहीं देती हो मम्मा को? ये देखो इसने क्या कर रखा है, अभी ये बैठी हुई है महारानी, मैं यहाँ पर लेटी हुई थी, एंड इसने क्या करा, ये स्टूल यहाँ रख के और ये वाला ड्रॉअर खोल के, ये जो आपको फर्स्ट वन दिख रहा है बॉटल के नीचे, मेरे ऊपर कूद कूद के कम से कम 10 से 15 बारी इसने सारा सामान यहाँ ला के रख दिया है। और ये इसमें ड्रॉअर में मेरा सामान तो है नहीं, बस एक ये कॉम्ब है एंड एक लेचर, बाकी का सारा सामान ये इसी का ही है। एंड जो है मेरे ऊपर कूद कूद के गई, आपको मेरे बालों से लग रहा होगा कि मैं अभी बिल्कुल, मैं लेटी हुई थी बिल्कुल, मैं मतलब सो चुकी थी, टाइम हो रहा है 4 बजे का, मैंने सोचा कि अभी बस मेरी हाउस हेल्पर आने वाली है एंड फिर टी बनाने का टाइम हो जाएगा, एंड मैं सोचा कि थोड़ी देर मैं रेस्ट कर लेती हूँ, एंड इसने
मतलब मुझे एक सेकंड भी आराम से लेटने नहीं दिया। सो बाबर मतलब इसने मेरे ऊपर ये कम से कम 10 बारी इसने मेरे जंप करी है। मैंने इसको 10 बारी बोला चिकू मम्मा को थोड़ी देर रेस्ट करने दो, रेस्ट करने दो। बच्चे तो गाइस बिल्कुल, अगर तुम्हारे घर में हैं छोटे बच्चे, हाँ मैं दिखाती हूँ काटू ना, सोने नहीं देती है यार बिल्कुल भी। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं ना तो आप बिल्कुल भी रेस्ट नहीं कर सकते, मतलब 1% आप रेस्ट नहीं कर सकते अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं। फिर तो आप नींद बिल्कुल भूल जाओ कि अगर आप सो सकते हो ना तो इट्स लाइक हेवन। कि आप ये सोचो कि अगर आप बच्चों के साथ अगर रेस्ट कर पा रहे हो ना, सो उससे अच्छी चीज़ कोई नहीं है गाइस। मेरे लिए तो ये बड़ा ही बेकार हो चुका है कि आप मेरी नींद सुबह की, मतलब सिर्फ मैं रात को सो सकती हूँ, रात को भी जब ये सो जाए तो ही मैं सो सकती हूँ, अदरवाइज मैं दिन में तो बिल्कुल रेस्ट कर ही नहीं सकती। तो मैं जैसे प्ले कर रही है, मेरे को वहाँ से हटा दिया जहाँ पे मैं लेटी हुई थी, अब अपना ये आराम से प्ले कर रही है। चिक्को आप बिल्कुल सोने क्यों नहीं देती हो मम्मा को? ही ये क्या है आपके हैंड में? पापा नेहा। पापा नेहा? हाँ पापा नेहा। पापा एंड मम्मा? दिखाओ मुझे भी दिखाओ। हेलो गाइस, मैं अभी आपको दिखाती हूँ अपने हस्बैंड की बचपन की फोटो एंड मेरी बचपन की फोटो, कुछ बचपन की यादें। चलो वेट, चिकू मम्मा को दो। मैं इसमें अराउंड 5 या 6 साल की हूँ। ओ मैया, ये मम्मा? यस ये मम्मा है। और ये पापा? गाइस ऐसी फोटोज देख के लिटरली बहुत अजीब लगता है ना कि टाइम कितना जल्दी पास हो जाता है। हाँ चीकू दिखाएगा, ये है चीकू के पापा। ये अराउंड इसमें होंगे शायद 12-13 साल के। पापा नहीं, 12-13 साल के तो नहीं होंगे, उससे थोड़ा बड़े ही लग रहे हैं। ये इसमें आई थिंक होंगे 15-16 साल के। सो गाइज मतलब मैं समटाइम्स सोचती हूँ कि टाइम कितना जल्दी निकल जाता है ना, कब बचपन निकल गया। एंड देखते ही देखते हमारी स्टडीज़ कंप्लीट हो गई, हमारी शादी हो गई, बेबी हो गया, एंड बेबी भी इवन अब 3 साल का हो गया है। टाइम बहुत जल्दी पास आउट होता है। अब हम इसको अपनी फोटोज दिखा रहे हैं ना, जब फर्स्ट टाइम इसने हमारी ये फोटोज देखी थी ना चिकू ने, तो शी सेड कि ये कौन है मम्मा, ये कौन है मम्मा। एंड देन मैंने इसको बोला ये आपके मम्मा पापा हैं जब मम्मा पापा आपके छोटे थे। सो टाइम तो बहुत जल्दी निकल जाता है, बट यही है लाइफ गाइस। एक दिन हमारे भी बच्चे इतने बड़े बड़े हो जाएंगे ना, हमें पता भी नहीं चलेगा। बट समटाइम्स ना बड़ा इमोशनल भी होती हूँ मैं, चीकू बहुत जल्दी जल्दी बड़ी हो रही है गाइस। पापा कोई बात नहीं गाइस, ये तो दुनिया का दस्तूर है, ये तो चलता ही रहेगा। सो अब चलो मैं, अगर हो सकता है 5-10 मिनट्स मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँ, बिकॉज गाइस अगर दोपहर में तुम अपनी एक कमर भी लाइक बेड पे लगा कर लेट जाओ ना तो भी तुमको थोड़ा रिलीफ मिल जाता है। पर ये बच्चे सोने ही नहीं देते हैं, सोना तो दूर, ये लेटने भी नहीं देते हैं थोड़ी देर भी। जैसे मैं लेटूंगी तो बस मम्मा टॉयलेट आया, मम्मा पॉटी आई है, मम्मा दूध दे दो, मम्मा मेरे साथ प्ले करो, नथिंग कैन हैपन, मतलब हो ही नहीं सकता सोना तो। सो चलो अब मैं आपको थोड़ी देर बाद मिलती हूँ, बाय बाय। गाइस अभी हम जा रहे हैं स्कूटी पर बाहर, बिकॉज मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है, मुझे कुछ फ्रूट्स भी लेने थे तो सोचा कि बाहर चलते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं स्कूटी पे, बिकॉज स्कूटी पे जो फ्रेश स्कूटी पे जो फ्रेश फ्रेश हवा मिलती है उसका मज़ा ही कुछ हो। तो गाइस जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि अभी हम लोग गए थे बाहर
एक्चुअली थोड़ा बहुत सामान लेना था, एक आधी चीजें, वैसे तो मेरे हस्बैंड ही जाते हैं नॉर्मली अगर कुछ भी लेने जाना होता है, अगर एक आधी चीजें कुछ लेने जाना होता है, अगर काफी सारी चीजें लेनी होती हैं तो ही मैं जाती हूँ साथ में, अदरवाइज मेरे हस्बैंड ले आते हैं अगर एक आधी कोई चीज़ें लेके आनी होती हैं। सो मुझे एक्चुअली एक आधी चीज़ें चाहिए थी, सो मेरे हस्बैंड पहले जा रहे थे, बट फिर मैंने मतलब उन्होंने ही मुझे बोला कि एक काम करते हैं, मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है एंड चीकू ना बाहर जाने के लिए शाम को बहुत बोलती है, मतलब बच्चा एक होते है गाइस कोरोना की वजह से, वैसे भी ना बच्चे बाहर नहीं जा पा रहे हैं बिल्कुल भी ढंग से, ना घूमना फिरना कुछ नहीं होता क्योंकि डर तो लगता ही है। तो उन्होंने एंड मौसम भी बहुत प्यारा हो रहा था इवनिंग के टाइम पे ना अराउंड 6:30 बजे। नहीं मुझे नहीं खाना, आप खाओ, अच्छी चीकू मुझे लॉलीपॉप दे दिए। सो फिर उन्होंने कहा कि चलो तुम लोग भी चलो, देन हम लोग स्कूटी पे गए, देन स्कूटी पे तो अच्छा मौसम होता है ना तो बहुत मज़ा आता है घूमने में ना। सो मैं आपको दिखाती हूँ कि अभी मैं क्या क्या लेकर आई हूँ, बिल्कुल जो घर का नॉर्मल थोड़ा बहुत सामान होता है वही सब। पपीता लिया है बिकॉज पपीता गाइस हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होता है तो हम सारे पपीता खाते हैं। एंड एक ये मैंने ये लिए जो छन्नी होती है ना, एक ये लिए एंड कुछ खाने पीने का सामान, ये सब जैसे कि वो ये है या अंकल से ये देखते हैं, ये फर्स्ट टाइम मैं खाने जा रही हूँ तो देखते हैं। वैसे तो मैं ये सब बहुत कम खाती हूँ गाइस, बहुत रेयर होता है पर बच्चों। ये सारा सामान था जो अभी लिया था हम लोगों ने, वैसे तो ये सारी चीज़ें मैं मेरे हस्बैंड तो बहुत कम खाते हैं, बट हाँ समटाइम्स ऐसा होता है कि भूख लगती है तो कुछ इंस्टेंट खाना होता है तो हम लोग यही खा लेते हैं। एंड ये जो मैंने छन्नी ली है ना, इस एक्चुअली मेरे पास पहले जो थी ना वो थी जो प्लास्टिक वाली होती है, तो जैसे स्टील की है ना पहले वाली जो थी वो थी प्लास्टिक की। एक्चुअली मैंने अभी कल या परसों मैंने घी निकाला था, मैंने गरम गरम घी उसको छानने के लिए मैंने यूज़ कर लिया एंड मुझे बिल्कुल दिमाग से ही निकल चुका था कि ये प्लास्टिक की है, ये बर्न हो सकती है। तो फिर मैंने वो बिल्कुल पूरी तरीके से ख़राब हो गई थी तो इस वजह से मैंने ये स्टील की। एंड हमारा डिनर वगैरह सब कुछ हो चुका है, डिनर में जो दोपहर के राजमा थे ना वही मैंने खाए हैं, मतलब सबने वही खाए हैं, बस मैंने चपातीज बना दी थी एंड सैलेड था साथ में। सो एक इस वजह से भी कि हाँ मुझे सब्जी नहीं बनानी है तो मैंने सोचा हाँ आज तो चल लेते हैं गाइस बाहर। सो अब मैं इस व्लॉग की गाइस यहीं पर एंडिंग कर रही हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो इसने मुझे बीच में ज़रूर मेरी एंडिंग मतलब वैसे ही खराब नहीं करती, अच्छी कर देती है, पर इसने बीच में जरूर बोलना होता है। राधे राधे। चलो मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना गाइस। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय। सी यू। सी यू। टाटा।